पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो कि अगली क्या होती है, किस गजा में होती है गरीबी। मैं 9th क्लास में था, मेरे पिता सीनियर हो गए, मेरे पिता बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। हमारे घर में चाय की छोटी सी दुकान थी, उसे से हमारे घर का खर्चा चलता था। मेरे पिताजी को अंतिम समय में कैंसर था, 2 साल वो जो है साथ भाई पर रहे। इस पूरी स्थिति से पूछ रहा हूँ बेटा, आज सभी हो गुजर लो, इतनी बुरी स्थिति से गुजरा हूँ कि जिसको याद करके रोना आता है। मेरी माँ जो हम लोग के बीच उपस्थित है, मैं दुकान वगैरह करके अपना घर चलाता था। सुबह 22 घंटे 23 घंटे रात रात करके आता था, मम्मी से बोला जाता था, मम्मी मुझे जगा देना, मुझे पढ़ाना, बच्चे आए होंगे, 7-8 लड़के इकट्ठा रहते थे। माँ की ममता क्या होती है, मैं एकदम 1 घंटे 1.5 घंटे सोया रहता था, आंखें एकदम लाल रहती थी, माँ मेरी जगाती थी, क्योंकि मुझे पढ़ाना रहता था, खर्च इकट्ठा करना रहता था। रोज मेरी माँ मुझे जगाने के बाद रोती थी, रोज रोती थी, उसका दिल नहीं मानता था कि जिस उम्र में 10 से 11 के बच्चों को अपना आगे बढ़ना चाहिए, खेलने कूदने वाली उम्र है, ये जो है अपने दोनों बहनों, दोनों भाइयों और परिवार के गुजर बसर के लिए अपने आप को इस कदर झुका हुआ है, इस कदर लगा हुआ है। बहुत समय तक आज भी हम अपने गाँव में एक उदाहरण माने जाते हैं। मेरे गांव में मेरा नाम लोग अपने बच्चों का उदाहरण देते थे कि देखो फला का लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पढ़ता है। बहुत दुख भी होता था, रात में 2 बजे 2:30 बजे रात तक पढ़ करके मेहनत करके आगे बढ़ता था, कुछ बन नहीं पाता था, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा तो एक सपना बना लिया। हम जो मैं कुछ कर नहीं पाया, जो बन नहीं पाया, वो आप लोगों को बनते हुए देखूंगा तो समझूंगा कि मैं IAS हो गया, मैं BCS हो गया। मेरा एक स्टूडेंट आज दोस्ती वाली रहा, जिसके पास समय अभाव था, एक बार मुझे फोन किया, सर आप नाराज ना हुए, मुझे पता नहीं क्यों बच्चे फोन की इंटरनली लाइक करते हैं मुझे। मैं आंखों से किसी बच्चों की ओर देखता हूँ तो बच्चों को लग जाता है कि सर दुखी हो रहे हैं, मुझे दूर होना पिलो, इसके लिए मेरे बच्चे हर रोज काम करने लगते हैं, वही मेरी कमाई है, वही मेरी पूजा है। जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में 95 में पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी उस समय की क्लास में था, लेकिन उस समय ट्यूशन और कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि बच्चे और मैं बच्चों अपने हर बच्चों को एक छोटा सा अपना एक छोटा सा तर्क देता हूँ, एक छोटा सा स्लोगन देता हूँ, काम ऐसा करो। काम आपको भी ऐसा ही मैं स्लोगन दे रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल स्लोगन है, काम ऐसा करो कि अब्सेंस में भी प्रेजेंस बनी रहे, काम ऐसा करो कि अब्सेंस में भी प्रेजेंस बनी रहे। तो बच्चों मैं ऐसा चाहता भी हूँ कि आप सभी लोग इस तरह से करो, ऐसे काम करो, ऐसे पढ़ाई करो कि आपके अनुपस्थिति में भी लोग आपको याद करें कि आप कुछ हैं, कुछ आपका नाम है, चर्चा हो आपकी, जी सर सुना, एक लाभ। हाँ जी,
ये मैं समझो, मैं अभी सारी आपको समर्पित करूंगा, पता नहीं यहाँ सुनाना चाहिए लेकिन मैं सुना आप मेरा मन कटा दो। ये न समझो ये जो मैं आपको हजार रहा हूँ, ये न समझो कि कोई रिश्ता बना रहा हूँ। ये जो मैं आपको हजार रहा हूँ, ये न समझो कि कोई रिश्ता बना रहा हूँ। स्वार्थ है मेरा, स्वार्थ है मेरा, स्वार्थी हूँ मैं, स्वार्थ है मेरा, स्वार्थी हूँ मैं तो अपनी अर्जुन के पीछे चलने वालों की हाँ हाँ कर रहा हूँ। Thank you.